Hi friend, good morning. Welcome to this channel. If you want to speak fluently without hesitation English, if you want to speak fluently without hesitation, you are welcome. आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है. बट हाउ टू गेट रीड ऑफ मेमोराइजेशन, याद करने की झंझट प्रणाली से मुक्ति पाए, तो आई विल टेल यू द वे टू गेट रीड ऑफ द मेसी सिस्टम ऑफ मेमोराइजेशन. याद करने की झंझट प्रणाली से मुक्ति का तरीका बताऊंगा. आपको एक चीज बता दे, द शू आर टर्न बट द पोजिशन इज नॉट लॉस्ट. जूता फटे फटे लेकिन पोजिशन न घटे. द शूज आर टर्न बट द पोजिशन इज नॉट लॉस्ट. जूता फटे फटे लेकिन पोजिशन न घटे. यानी कि जिसको इंग्लिश बोलने की इच्छा है, those want to speak English, they will speak English. वो English बोलेगा. तो चलिए आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ phonetics या जो accent होता है, जो लय होता है, जो बोलने का तरीका होता है, वो चूंकि अमेरिकन होता है, इसलिए आप डिक्शनरी जो भी आप चूज करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो अमेरिकन स्टाइल से हो. चूंकि हमारे वीडियो को कई कंट्रीज में देखते हैं, तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि डिक्शनरी लेते समय आप ध्यान रखें कि आप अमेरिकन जिसमें यूज किया गया है शैली, उस डिक्शनरी को लें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे, जानने में भी आसानी रहे. तो चलिए आज मैं यूज करना बताऊंगा व्हेन एवर, जब भी. तो ये जब भी एक्चुअल में व्हेन एवर एक सॉन्ग है और शकीरा का सॉन्ग है और काफी फेमस सॉन्ग है. तो आज हम उसी सॉन्ग को ही चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसी पर. व्हेन एवर, जब भी. तो ये सॉन्ग काफी फेमस है. आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च में लिखिए व्हेन एवर, व्हेन एवर, जब भी, जब भी. और शकीरा इस गाने को बड़ी धूम से, मस्ती से गाई है. You could listen and enjoy. आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. फिलहाल आप उस गाने को मैं समझाने का प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप उसको समझिए. कॉपी में इस सॉन्ग को आप लिखते चले जाइए. इसमें जो आपको डिफिकल्ट वर्ड आएगा उसको आप कॉपी के उसी पेज पर, उसी के अगल बगल में लिख डालिए. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आपका इस गाल में है और समस्या आप दूसरे गाल में चिपका रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, ये नहीं. आपको जहां पे समस्या आ रहा है, जो वर्ड डिफिकल्ट आ रहा है आप इस सॉन्ग में, उसको उसी पेज पर ही लिख डालिए. तो फ्रेंड्स, पेन डाउन, स्टार्ट कीजिए लिखना. लकी यू आर, लकी यू वर बॉर्न दैट फॉर अवे सो. भाग्यशाली यानी खुशनसीब है कि आप इतनी दूर पैदा हुए थे. लकी यू वर बॉर्न दैट फॉर अवे सो. खुशनसीब है कि आप इतनी दूर पैदा हुए थे. वी कुड बोथ मेक फन ऑफ डिस्टेंस. हम दोनों दूरी का मजाक उड़ा सकते थे. लकी दैट आई लव ए फॉरेन लैंड फॉर. खुशनसीब है कि मुझे एक विदेशी भूमि से प्यार है. द लकी फैक्ट ऑफ योर एक्जिस्टेंस. आपके अस्तित्व का खुशनसीब हकीकत, तथ्य. नेक्स्ट पेन डाउन, बेबी. बेबी बुढ़ा सुद्धा किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. छोटा बच्चा से लेकर बुढ़वा बुढ़िया किसी के लिए भी यू कुड यूज इट, बेबी शब्द, ठीक है. बेबी आई वुड क्लिम द एंडीज स्लोली. बेबी मैं केवल एंडीज पर चढ़ूंगा. टू काउंट द फ्रिकल्स ऑन योर बॉडी. अपने शरीर पर
बने झाइयों की छाइयों यानी डिजाइन जो है गिनने के लिए. नेवर कुड इमेजिन दर वर्ड वनली. कभी सोच भी नहीं सकता था कि किसी 10 मिलियंस वे टू लव समबॉडी. कभी सोच भी नहीं सकता था कि किसी से प्यार करने के सिर्फ 10 लाख तरीके होते हैं. इसमें सम बॉडी बोलने के बाद जो है ना, मतलब इस गाने में बॉडी बॉडी दो बार आवाज आया है, वो ये बैकग्राउंड से आवाज आया है, इसलिए उसको मैंने ब्रैकेट में घेर दिया है. ठीक है, नेक्स्ट पेन डाउन. लकी वर बॉर्न दैट फार अवे शो वी कुड बोथ मेक फन ऑफ डिस्टेंस. लकी दैट आई लव ए फॉरेन लैंड फॉर द लकी फैक्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट पेन डाउन. बेबी आई वुड क्लीन द एंड स्लोली टू काउंट द फ्रिकल्स ऑन योर बॉडी. नेवर कुड इमेजिन द ओवर ओनली 10 मिलियंस वेज टू लव सम बॉडी बॉडी. उसके बाद आपका आता है वाज लेडो लेडो लो ले लो ले लो. एक्चुअल में लेडो का अर्थ होता है बर्फ. ठीक है, लेडो ले 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 लो, इस तरीके से जो वर्ड आया है उसको ऐसे समझ लीजिए कि मैंने इसे पढ़ा, इसका अर्थ लगभग यही है. ऐसे आप सिर्फ लेडो को समझिएगा तो लेडो का अर्थ होता है बर्फ. चलिए नेक्स्ट पेन डाउन. कांट यू सी, आप नहीं देख सकते. आई एम एट योर फिट, मैं आपके चरणों में हूं. नेक्स्ट पेन डाउन. Whenever we are in together, जब भी हम एक साथ हैं. I will be there and you will be near. अब आप लोग कहिएगा हमेशा near पढ़ते आ रहे हैं, near, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां उसको near बोल रहे हैं अमेरिकन, क्योंकि ये जो song है ये शकीरा गाई है, मतलब गाई है या dance की है, तो इसमें नियर को नीर बोल रही है. तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए और अपने डिक्शनरी में चेक कीजिए, वहां एन ई ए आर को नीर बताया गया. ओके, तो आई विल बी देयर एंड यू विल बी नीर एंड दैट इज द डील माय डील. या डियर की जगह ए डी ए आर जो बोलते हैं हम लोग इंडिया में, चूंकि ब्रिटिश वगैरह के संपर्क में रहने की वजह से मैं ज्यादा उधर खुदाई विचार नहीं कर रहा हूं. आप माइंड कीजिए कि यहां डी ए आर को खोजेंगे तो वो भी नीर, जैसे नीर आया था उस तरह डी आएगा. ठीक है, तो चलिए पहले फिलहाल मीनिंग बता रहे हैं. आई विल बी देयर एंड यू विल बी नीर, मैं वहां रहूंगा और आप नजदीक होंगे. एंड यू विल बी नीर और आप नजदीक होंगे. एंड दैट इज द डील माय डील, और वहां और यह सौदा है. एंड दैट इज द डील और यह सौदा है. माई डियर, मेरे प्रिय, जैसे यहां बोलते हैं माई डियर, उसको अमेरिकन लोग ऐसे बोलते हैं माई डियर. नेक्स्ट पेन डाउन. देयर ओवर, देयर ओवर वहां थे. हेयर अंडर इसके अंतर्गत. यू विल नेवर हैव टू वंडर, आपको कभी आश्चर्य नहीं करना पड़ेगा. वी कैन ऑलवेज प्ले बाय ईयर, ईयर हम हमेशा कान से खेल सकते हैं. बट दैट इज द डील माय डियर, लेकिन यह सौदा है मेरे प्रिय. नेक्स्ट पेन डाउन. लकी दैट माय लिप्स नॉट ओनली मंबल, खुशनसीब है कि मेरे होंठ न सिर्फ गुनगुनाते हैं. लकी दैट माय लिप्स नॉट ओनली मंबल, दे स्पिल किसेस लाइक ए फाउंटेन, ये चुम्मा को कल्पना की तरह बिखेरते हैं. लकी दैट्स माई लिप्स नॉट ओनली मंबल, खुशनसीब है कि मेरे होंठ ना सिर्फ गुनगुनाते हैं, ये चुम्मा को कल्पना की तरह बिखेरते हैं. नेक्स्ट पेन डाउन. लकी दैट माई ब्रेस्ट आर स्मॉल एंड हम्बल, खुशनसीब है कि मेरे स्तन छोटे और विनम्र है. सो यू डोंट कंफ्यूज देम विथ माउंटेन, इसलिए आप उन्हें पहाड़ों से भ्रमित ना करें. इस सॉन्ग को मैच किया है, देखिए. लकी दैट्स माय बेस्ट आर स्मॉल एंड हम्बल, सो यू डोंट कंफ्यूज देम विथ
माउंटेन, चलिए नेक्स्ट पेंड ऑन कीजिए, लकी आई हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स लाइक माई मदर, खुशनसीब है कि मेरे पास मेरी माँ की तरह मजबूत पैर है यानी टांगे हैं, टू रन फॉर ऑफ कवर व्हेन आई नीड इट, जो मुझे जरूरत पड़ने पर पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, एंड देयर टू आइज दैट फॉर नो अदर, जो किसी और के लिए, एंड देयर टू आइज दैट फॉर नो अदर, एंड देयर टू आइज दैट फॉर नो अदर्स, मेरे पास दो आंखें हैं जो किसी और के पास और के लिए नहीं है, मेरे पास दो आंखें हैं जो किसी और के लिए नहीं है, द डे यू लीव विल क्राई ए रिवर, जिस दिन तुम चले जाओगे एक नदी की तरह रोएगी रोएगा। फिर लेडो लेडो के दो आवाज आता है, ठीक है, तो लेडो का मतलब तो आपको मैंने बताया, सिर्फ लेडो कहेंगे तो हो जाएगा क्या बर्फ, आ लेडो लो ले लो, इस तरीके से वर्ड जो आता है इसका मतलब होता है मैंने तुम्हें पढ़ा, ठीक है। पीछे से एक आवाज आता है वन मोर टाइम, ये आवाज बोलती नहीं है, पीछे से आवाज आता है वन मोर टाइम, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में घेर दिया है, ठीक है। ये तो एट योर फिट, आई एम एट योर फिट, एट योर फिट तेरे चरणों में, आई एम एट योर फिट मैं तेरे चरणों में। इसके बाद नेक्स्ट पेंड ऑन, Whenever, we are meant to be together, I will be there and you will be near, and that is the deal, my deal. इसका मीनिंग मैंने पीछे बता चुका हूँ, आप पूरा लिखेंगे तभी गाना से मैच करेगा, इसलिए मैं दोबारा बोल दिया। There over, here under, वहां पर, here under, इसके अंतर्गत, we will never have to wonder, हमें कभी आश्चर्य नहीं करना पड़ेगा। लेडो लो ले लो, लेडो लो ले लो, इस तरीके का दो बार आवाज आता है, इसका मतलब हुआ मैंने इसे पढ़ा, ऐसे सिर्फ आप लेडो कहेंगे तो उसका अर्थ होता है बर्फ, ठीक है। थिंक आउट लाउड, जोर से सोचो, से इट अगेन, इसे फिर से कहो, थिंक आउट लाउड से इट अगेन, जोर से सोचो इसे फिर से कहो, उसका फिर आपको आवाज आता है लेडो लो ले लो ले लो ले लो, इस तरीके का। नेक्स्ट, टेल मी वन मोर टाइम, एक और बार बताओ, टेल मी वन मोर टाइम, एक और बार बताओ, दैट यू विल लिव लॉस्ट इन माई आईज, कि तुम मेरी आंखों में खोए रहोगे। व्हेनेवर, जब भी, वी आर मीन टू बी टूगेदर, हम एक साथ रहने के लिए हैं। नेक्स्ट पेंड ऑन, व्हेनेवर, वी आर मीन टू बी टूगेदर, I will be there and you will be near, and that is the deal, my deal. Next pendulum, there over, वहाँ पर, here under, इसके अंतर्गत, you will got me head over heels, तुम मेरी एड़ी पर सिर चढ़ा दोगे, there is nothing left to fear, डरने की कोई बात नहीं है, come on listen, आओ सुनो, If you really feel the way I feel, ये आवाज बैक से आता है, if you really feel the way I feel, यदि आप वास्तव में वैसा ही महसूस करते हैं जैसा मैं महसूस करता हूं, तो आप इस सॉन्ग को पूरी तरह से लिख चुके हैं, अब आप इसको समझ भी चुके हैं, अब आप YouTube पर जाएं और लिखिए व्हेनेवर, हो सकता है तो सकीरा का नाम भी डाल दीजिए, आपको ये सॉन्ग आ जाएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर, हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन, धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोले, प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट एपिसोड का भी आप वेट करें। हाउ टू गेट रीड ऑफ मेमोराइजेशन, याद करने की प्रणाली से कैसे मुक्ति पाए, इस चीज के लिए आप चैनल पर बने रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर, आई विल मीट यू नेक्स्ट एपिसोड।
Good morning, friend. If you want to get rid of the hassles of remembering, then you are welcome. याद करने की झंझट प्रणाली से मुक्ति चाहते हैं तो आपका स्वागत है. If you want to get rid of the hassles of remembering, then you are welcome. दोस्तों, आज हम बताएंगे कि वांट का इस्तेमाल कैसे करते हैं. आई एम स्ट्रैप प्लीज, आई हैव कम आउट फॉर ए फॉल. आई एम स्ट्रैप ब्रिज, आई हैव कम आउट फॉर ए फॉल. आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए. हाउ टू गेट रिड ऑफ मेमोराइजेशन, याद करने की प्रणाली से कैसे मुक्ति पाए. अब तक तो हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ मेमोराइजेशन, याद करने की प्रणाली से मुक्ति कैसे पाए. आई विल टेल यू द वे टू गेट रिड ऑफ द मेसी सिस्टम ऑफ मेमोराइजेशन, याद करने की झंझट प्रणाली से मुक्ति का तरीका बताऊंगा. तो फिर देखते रहिए हर एपिसोड को हमारे चैनल पर. आज का जो प्रयोग बताएंगे, इस्तेमाल बताएंगे वांट का, WANT, वांट. तो चलिए इस पर एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग है, द हार्ट वांट व्हाट इट वांट्स, द हार्ट वांट व्हाट इट वांट्स. दिल जो चाहता है वो चाहता है, दिल जो चाहता है वो चाहता है, द हार्ट्स वांट व्हाट इट वांट्स. ओके, पेन डाउन लिखना चालू कीजिए. You got me sipping one something. तुमने मुझे चुन लिया कुछ ऐसा जो मैं. I cannot compare to nothing. किसी चीज से तुलना नहीं कर सका. I've ever known I am hoping. कभी मैं कभी जाना जाता था, मैं उम्मीद कर रहा हूं. दैट्स आफ्टर दिस फीवर आई विल सर्वाइव, कि इस बुखार के बाद मैं बच पाऊंगा. आई नो आई एम एक्टिंग ए बिट क्रेजी, मुझे पता है मैं थोड़ा दीवाना अभिनय कर रहा हूं. स्ट्रंग आउट, प्रयास किया. ए लिटिल बिट, थोड़ा धुंधला. ए लिटिल बिट हेजी, थोड़ा धुंधला. हैंड ओवर हार्ट, दिल सौंप दो. आई एम प्रेइंग, मैं प्रार्थना कर रहा हूं. दैट्स आई एम गोना मेक इट आउट अलाइव, कि मैं इसे जीवित कर दूंगा. नेक्स्ट पेन डाउन. The bed's getting cold and you are not here. The bed's getting cold and you are not here. बिस्तर ठंडा हो रहा है और आप यहां नहीं हैं. The future that we hold is so unclear. हमारे पास जो भविष्य है वह इतना अस्पष्ट है. But I am not alive until you call. लेकिन मैं तब तक जीवित नहीं हूं जब तक आप फोन नहीं करते. एंड आई विल बेट द ऑड्स अगेंस्ट इट ऑल, और मैं इसके खिलाफ सभी दांव लगाऊंगा. सेव योर एडवाइस कॉज आई वॉन्ट हियर, सेव योर एडवाइस कॉज आई वॉन्ट हियर. अपनी सलाह बचाए क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं. यू माइट बी राइट, तुम सही हो सकते हो.
बट आई डोंट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं है. देयर इज मिलियंस रीजंस व्हाई आई शुड गिव यू अप, एक लाख कारण है कि मैं आपको क्यों छोड़ दूं. बट द हार्ट wants what it wants, पर दिल तो वही चाहता है जो वो चाहता है. द हार्ट wants what it wants, दिल वही चाहता है जो वो चाहता है. यू गॉट मी scattered इन पीसेस, तुमने मुझे बिखरे हुए टुकड़े करवाए. यू गॉट मी scattered इन पीसेस, शाइनिंग लाइक स्टार्स एंड स्क्रीमिंग, सितारों की तरह चमकाना और चीखना. लाइटिंग मी अप लाइक वेनस, मुझे शुक्र की तरह रोशन कर रहा है. बट देन यू डिसअपीयर एंड मेक मी वेट, लेकिन फिर तुम गायब हो जाते हो और मुझे प्रतीक्षा करवाते हो. एंड एवरी सेकेंड लाइक टॉर्चर, और हर पल यातना की तरह. हीरोइन ट्रिक, नशे की टपक. नो मोर शो, और नहीं तो. फाइंडिंग ए वे टू लेट गो, जाने देने का रास्ता खोजना. बेबी बेबी नहीं, आई कैन नॉट एस्केप, मैं बच नहीं सकता. नेक्स्ट पेन डाउन, द बेड्स गेटिंग कोल्ड एंड यू आर नॉट हियर. द फ्यूचर दैट वी हैव होल्ड इज सो अनक्लियर, बट आई एम नॉट अलाइव अंटिल यू कॉल, एंड आई विल लेट द ऑड्स अगेंस्ट इट ऑल शेप योर एडवाइस, कॉज आई वॉन्ट हियर. You might be right, but I don't care. There is millions reasons why should give you up. Next pendulum, but the heart wants what it wants. पर दिल तो वही चाहता है जो वो चाहता है. The heart wants what it wants. दिल वही चाहता है जो वो चाहता है. यहाँ तीन बार इस गाने में गाया गया है, इसलिए इसको हमने तीन से गुना कर दिया है. आप इसको तीन बार तीन से गुना करके लिख डालिए. देयर इज ए मॉडर्न फेरी टेल, यह एक आधुनिक परिकथा है. नो हैप्पी एंडिंग्स, कोई सुखद अंत नहीं. बट आई कैन नॉट इमेजिन ए लाइफ विदाउट, लेकिन मैं सांस के क्षणों के बिना जीवन की ब्रेथ मोमेंट कल्पना नहीं कर सकता. बट आई कैन नॉट इमेजिन ए लाइफ विदाउट ब्रेथ मोमेंट, लेकिन मैं सांस के क्षणों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता. ब्रेकिंग मी डाउन 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 डाउन, मुझे विफल करते हुए. डाउन डाउन का मतलब आप समझ लीजिए, विफलता ही से इसको इंडिकेट किया गया है. द बेड्स गेटिंग कोल्ड एंड यू आर नॉट हियर. द फ्यूचर दैट वी होल्ड इज सो अनक्लियर, बट आई एम नॉट अलाइव अंटिल यू कॉल, एंड आई विल बेट द ऑड्स अगेंस्ट इट ऑल शेप योर एडवाइस, कॉज आई वॉन्ट बी हियर. यू माइट बी राइट, बट आई डोंट केयर. You up. There is a billion reasons why I should give you up. Next pendulum, but the heart wants what it wants. पर दिल तो वही चाहता है जो वो चाहता है. The heart wants what it wants. दिल वही चाहता है जो वो चाहता है. The heart wants what it wants, baby. दिल वही चाहता है जो वो चाहता है, baby. It wants what it wants. यह चाहता है कि यह क्या चाहता है. दो बार इस गाने में गाया गया है, इसलिए उसको दो से गुना कर दिया है. The heart wants what it wants, baby. पर दिल तो वही चाहता है जो वो चाहता है. It wants what it wants. यह चाहता है कि यह क्या चाहता है.
तो इस गाने को आप सेलेना गोमेज का बहुत हिट गाना है, आप जा करके यूट्यूब पे लिखेंगे द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स, आपको ये गीत मिल जाएगा। आप इसको दो चार दस बार सुने और आपने जो अभी कॉपी में उतारा है उसको अक्षर अक्षर मिला के देखें कि वो किस टोन में किस आवाज में किस तरह से गा रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन, धारा प्रवाह कैसे इंग्लिश बोले, इसका नेक्स्ट एपिसोड फिर मैं अगले दिन दूंगा। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेरिकन इंग्लिश स्पोकन सेंटर। अगर आप याद करने की झंझट प्रणाली से मुक्ति चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द हैसल्स ऑफ रिमेंबरिंग, देन यू आर वेलकम। याद करने की झंझट प्रणाली से मुक्ति चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आई विल टेल यू द वे टू गेट रीड ऑफ द मेसी सिस्टम ऑफ मेमोराइजेशन, याद करने की झंझट प्रणाली से मुक्ति का तरीका बताऊंगा। याद करने की झंझट प्रणाली से मुक्ति पाए, मेमोराइजेशन सिस्टम्स हाउ टू गेट रीड ऑफ द हैसल्स। तो चलिए आज हम उसी विषय को लेकर के कि हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन, धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोले, उस पर हम बात करेंगे कि धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोले। क्वेश्चन हमेशा मेरा यही होता है और हम लोग इसको प्रयास करने का इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कोशिश करते हैं, तो आज का भी एक कोशिश है। और इस कोशिश में एक सॉन्ग है, बहुत प्यारा सा सॉन्ग है जो यूट्यूब पे आजकल काफी लोग देख रहे हैं, और वो सॉन्ग है गर्ल्स लाइक यू। गर्ल्स लाइक यू, आप जैसी लड़की। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आप भी कलम, एक दो कलर का पेन रख लीजिए, ब्लू रेड या पेंसिल रख लीजिए और कॉपी रख लीजिए और जस्ट पेन डाउन और राइट डाउन लिखना चालू कीजिए। स्पेंड 24 आवर्स, आई नीड मोर हाउस विथ यू, यू स्पेंड द वीकेंड गेटिंग इवेंट ऑफ, वी स्पेंड द लेट नाइट मेकिंग थिंग्स राइट बिटवीन अस। पहले कह रहा है, पहला लाइन में लिखा मतलब गाता है, गाती है, गर्ल्स स्पेंड 24 आवर्स, आई नीड मोर आवर्स विथ यू, यू स्पेंड द वीकेंड गेटिंग इवन ऑफ, वी स्पेंड द लेट नाइट मेकिंग थिंग्स राइट बिटवीन अस। 24 घंटे बिताए मुझे आपके साथ, और घंटे चाहिए। I need more hours with you. You spend the weekend getting even. आपने, we spend the late nights making things right between us. आपने सप्ताहांत को यहां तक की बैठक में बिताया
और हमने चीजों को ठीक करने में देर रात बिताई. नेक्स्ट राइट डाउन. बट नाउ इट इज ऑल गुड बेबे. रोल दैट बैक वुड बेबे एंड प्ले मी क्लोज. अब सब ठीक है बेबे, उस लकड़ी को पीछे करो बेबे और मुझसे करीब से खेलो. नेक्स्ट. कॉज गर्ल्स लाइक यू रन राउंड विथ गाइज लाइक मी. स्टिल सन डाउन व्हेन आई कम थ्रू. आई नीड ए गर्ल्स लाइक यू. ये गर्ल्स लाइक यू लव फन. ये गर्ल्स लाइक यू लव फन एंड ई मी टू. गर्ल्स लाइक यू लव फन एंड ई मी टू. व्हाट आई वांट व्हेन आई कम थ्रू. आई नीड ए गर्ल्स लाइक यू. ये कॉज गर्ल्स लाइक यू रन्स राउंड. इसमें अराउंड को ये को एक गायब कर देते हैं, पोस्टॉप दे लिखा है मैंने, वो खा जाते हैं ये लोग. विथ गाइज लाइक मी. क्योंकि तुम जैसी लड़कियां मेरे जैसे लड़कों के साथ दौड़ती है. स्टिल सन डाउन व्हेन आई कम थ्रू. मैं जब भी आया तब भी सूरज ढल गया. आई नीड ए गर्ल लाइक यू. मुझे आप जैसी लड़की चाहिए. यह गर्ल्स लाइक यू लव फन. आप जैसी लड़कियों की मस्ती पसंद होती है. गर्ल्स लाइक यू फन. आप जैसी लड़कियों की मस्ती पसंद होती है. गर्ल्स लाइक यू फन एंड ई मी टू. आप जैसी लड़कियों को मस्ती पसंद होती है, मुझे भी. गर्ल्स लाइक यू लाइक फन ई मी टू. व्हाट आई वांट व्हेन आई कम थ्रू. आई नीड ए गर्ल लाइक यू. ये मैं क्या चाहता हूं, मेरे जरिए आओ. नेक्स्ट. ये करीब दो छह बार आवाज आता है. इसके बाद आता है आई नीड ए गर्ल लाइक यू. आपको तो इसका मतलब बताया. फिर पांच से छह मरतबा ये का साउंड आएगा. फिर आएगा आई नीड ए गर्ल लाइक यू. नेक्स्ट पेन डाउन. आई स्पेंट लास्ट नाइट वन लास्ट फ्लाइट टू यू. ये टुक ए होल डे अप ट्राइंग टू गेट अप. ओ वी स्पेंट द डे लाइट ट्राइंग टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस. पहला लाइन है इसका. आई स्पेंट लास्ट नाइट वन लास्ट फ्लाइट टू यू. मैंने कल रात आपके लिए आखिरी उड़ान भरी थी. टुक ए होल डे अप ट्राइंग टू गेट अप. उठने की कोशिश में पूरा दिन लग गया. और वी स्पेंट द डे लाइट ट्राइंग टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस. हमने दिन के उजाले को अपने बीच चीजों को ठीक करने की कोशिश में बिताया. नेक्स्ट पेन डाउन. बट नाउ इट्स ऑल गुड बेबे. रोल दैट बैक वुड बेबे एंड प्ले मी क्लोज. ये बट नाउ इट इज ऑल गुड बेबे. लेकिन अब सब ठीक है बेबे. रोल दैट बैक वुड बेबे. अब उस लकड़ी को पीछे करो एंड प्ले मी क्लोज. YEH को यह. अब उसको कैसा आवाज में बोलता है आप उस सॉन्ग को सुन के आप समझ सकते हैं. और मुझसे करीब से खेलो. नेक्स्ट लाइन पेन डाउन. Cause girl like you run around with guys like me. Still sun down when I come through. I need a girl like you. Yeah. Girls like you. Yeah. For you. Yeah. Girls like you. Love you. And yeah, me too.
girls like you love fun and we, me too. What I want when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. I need a girl like you. तीन मरतबा यह का शब्द आएगा. आई नीड ए गर्ल लाइक यू. नेक्स्ट पेन डाउन. मे बी इट इज 8:45. मे बी आई एम बेयरली लाइक. मे बी यू हैव टेकन माई सीट फॉर द लास्ट टाइम यह. मे बी आई नो दैट आई एम ड्रंक. मे बी आई नो यू आर द वन. मे बी यू थिंकिंग इट्स बेटर इफ यू ड्राइव. मे बी इट इज 8:45. हो सकता है 8:45 बजा है. मे बी आई एम बेयरली अलाइव. हो सकता है मैं मुश्किल से जिंदा हूं. मे बी आई नो दैट आई एम ड्रंक. हो सकता है मे बी यू हैव टेकन माई सीट फॉर द लास्ट टाइम. हो सकता है कि तुमने मेरी बकवास आखिरी बार ली हो. मे बी आई नो दैट आई एम ड्रंक. शायद मुझे पता है कि मैं नशे में हूं. मे बी आई नो यू आर द वन. हो सकता है कि आप एक हैं. मे बी यू थिंकिंग इट्स बेटर इफ यू ड्राइव. हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अगर मे बी यू थिंकिंग इट इज बेटर इफ यू ड्राइव. हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बेहतर है. नेक्स्ट पेन डाउन. ओह काउस गर्ल्स लाइक यू रन राउंड विथ गाइज लाइक मी. स्टिल सन डाउन व्हेन आई कम थ्रू. आई नीड अ गर्ल लाइक यू. या गर्ल्स लाइक यू लव फन एंड या मी टू. गर्ल्स लाइक यू लव फन एंड या मी टू. व्हाट आई वांट व्हेन आई कम थ्रू. आई नीड अ गर्ल्स लाइक यू. या फिर नेक्स्ट पेन डाउन. या चार मरतबा आएगा. आई नीड अ गर्ल लाइक यू. या वन टाइम. या चार टाइम आएगा. आई नीड अ गर्ल लाइक यू. अब आपको करना यह है कि इस गाने को आप यहाँ पर तो आपने लिख लिया, आपने समझ लिया. अब आप YouTube में जाइए और इस गाने को वहां पर सुनने का प्रयास कीजिए. एक दो तीन चार बार आप सुनेंगे. उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा. आप किसी गाने को सुनिए और अगर आपका पसंद का अगर समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें और कंटिन्यू सुनते रहें. थैंक्स ऑडियंस. थैंक्स लिसनर.